नमस्कार द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ सागरिका किसू और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गीता प्रेस के वन ऑफ द ट्रस्टीज देवी दयाल जी। हम आपको ये बता दें कि गीता प्रेस हिंदुस्तान की और पूरी दुनिया की 100 साल पुरानी संस्था है जो दुनिया में हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को लेकर फेमस है और उसकी सबसे बड़ी प्रकाशक है। हम आपको ये भी बता दें कि गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज से नवाजा जा रहा है। पिछले साल गीता प्रेस के 100 साल होने पे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने गोरखपुर आकर प्रेस को सम्मानित किया और इस महीने जून में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की तैयारियां चल रही है। नमस्कार देवी दयाल जी, आपका स्वागत है। पहली बात तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद पीस प्राइज के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपके लिए, गीता प्रेस को गांधी पीस प्राइज मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इस सब को लेकर संस्थान में किस तरीके की हलचल चल रही है? गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर सभी तरफ खुशी का माहौल है। गोरखपुर वासियों में बहुत ज्यादा इसके प्रति खुशी का माहौल है और हमारे लाखों करोड़ों पाठक जो दुनिया में हर तरफ हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, उनकी तरफ से भी उन्हें बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है इस समाचार से कि हमारे प्रधान सेवक ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयनित किया है। तो हमारा ये बताते चलें कि गीता प्रेस का नाता गांधी जी से बहुत पुराना रहा है। सन 1926 जिस समय हमारी कल्याण पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था, उसे हमारे संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार लेकर गांधी जी के पास गए थे और उन्होंने उसको देखा, उसे पढ़ा और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की एवं अपने दो सुझाव गीता प्रेस को दिए। पहला सुझाव तो ये था कि आप कल्याण पत्रिका में किसी प्रकार का विज्ञापन स्वीकार न करें। दूसरा ये था कि किसी भी समालोचना के शीर्षक से आप किसी की भी आलोचना प्रत्यालोचना न करें। और उसी बात से गीता प्रेस ने एडवर्टीजमेंट लेना बंद की थी जी। दोनों ही बातों का आज 97 वर्ष इन बातों को हो गए। 97 वर्षों से गीता प्रेस इन चीजों का पालन कर रहा है। गीता प्रेस की किसी भी पुस्तक में, किसी भी पत्रिका में किसी प्रकार का बाहरी विज्ञापन नहीं छपता है एवं हमारे किसी भी पुस्तक में कोई समालोचना का शीर्षक नहीं है जिसमें हम किसी भी चीज के लिए लेकर के कोई भी ऑथेंटिक या नॉन ऑथेंटिक चीजों को प्रतिपादित करें या उनके पक्ष या विपक्ष में कोई तर्क रखें। इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर आज गीता प्रेस ने 100 वर्ष पूरी की कर लिए हैं और आगे 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में मोदी जी का गीता प्रेस को इस शांति पुरस्कार को देना स्वाभाविक रूप से सारी जनता में एक हर्ष का माहौल है। इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ का जो कैश प्राइज आता है वो उसको लेने से गीता प्रेस ने मना किया, इसकी आप वजह बता सकते हैं? गीता प्रेस शुरू से इस सिद्धांत पर चली है कि अपने पैरों पर खड़े रहकर कार्य को करना, समाज के अंतिम पायदान तक सस्ते से सस्ते मूल्य में पुस्तकों को पहुंचाना, लेकिन अपने संसाधन से, इसमें किसी का आर्थिक सहयोग न लेना ये संस्था का शुरू से उद्देश्य रहा है। और हमारे संस्थापकों का ये निर्णय रहा है कि आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत नो प्रॉफिट नो लॉस सिस्टम के हिसाब से आप काम करिए, आपका काम कभी बंद नहीं होगा और अगर कोई कमी होगी तो भगवान उसे पूरी करेगा। इसी आधार पर संस्था ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। तो जब इस आधार पर संस्था 100 वर्ष चल सकती है तो आज हम अपने किसी भी बाइलाज में, किसी भी सिद्धांत में क्यों परिवर्तन की बात को स्वीकार करें? सर, मैं आपसे, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गीता प्रेस को पीस प्राइज मिल रहा है, जितना आप में और आप गीता प्रेस में उत्साह है उतना गीता प्रेस क्रिटिसिज्म में भी आ रहा है। अगर हम देखें तो ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने गीता प्रेस के इस प्राइज को गोडसे के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने बोला है गीता प्रेस को प्राइज देना का मतलब गोडसे को अवार्ड देने के बराबर है। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें हमारा कोई भी कमेंट नहीं है क्योंकि हमारा शुरू से ही हमने आपको बताया कि हम किसी समालोचना या किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ते हैं। गीता प्रेस ने 100 वर्ष जो बिताए हैं बहुत शांतिपूर्वक केवल अपने कार्य में लगे रहकर बिताए हैं, किसी भी तरह के किसी विवादास्पद विषय के ऊपर कभी न बोला है, न उठाया है, न हम इसकी आकांक्षा ही करते हैं।
लेकिन गीता प्रेस के अवार्ड को गॉडसे के साथ कंपेयर करना, इस पे कुछ आप कहेंगे कि नहीं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं, ये उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता, उन्हें मुबारक हो, हम इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। अगर आप जैसे जो कल्याण मैगजीन जो गीता प्रेस की सबसे वरिष्ठ मैगजीन थी और जिसकी सबसे ज्यादा सर्कुलेशन थी, और अभी भी हम देखें जो गीता प्रेस के बहुत पुराने रीडर्स हैं उनके घर पे कल्याण पाई जाएगी, तो कल्याण के जो फाउंडर थे हनुमान प्रसाद पोदार जी, उनके रिश्ते जो गांधी जी के साथ अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत ही स्टॉर्मी रिश्ते थे, इन द सेंस अच्छे और बुरे रिश्ते दोनों तरीके के रिश्ते थे। बोला जाता है कि शुरुआत में जैसे आपने खुद बताया कि पोदार जी खुद किताब लेकर कल्याण लेकर गांधी जी के पास गए और गांधी जी के कहने पर एडवर्टीजमेंट लेना बंद की, पर यह भी बोला जाता है कि जब गांधी जी की कुछ बातों से पोदार और गीता प्रेस बहुत ज्यादा उनकी बातों के खिलाफ भी थे, जैसे बहुत सारे हिस्ट्री के फ्लैश पॉइंट्स पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे इस नरम गरम रिश्ते का जो गीता प्रेस और गांधी जी के बीच में रहा है? ये जो कहां से ये बात आई है ये हम लोगों की समझ के बाहर है। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो इतने सहृदय व्यक्ति थे, इतने करुणात्मक व्यक्ति थे, इतने आध्यात्मिक व्यक्ति थे कि वो किसी के खिलाफ विचारों में तो हो सकते हैं, बाकी किसी भी तरह का कोई और तरह की बात उनके मन में आ ही नहीं सकती, क्योंकि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भी गीता प्रेस से जुड़ने से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 3 वर्ष के लिए उन्हें जो है नजरबंद का आदेश हुआ था, उस नजरबंदी के समय में उन्होंने अपने अध्यात्म को, उनका अध्यात्म बहुत बढ़ा, उसके बाद गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयनका के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन इसी आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रचार प्रसार में लगाया। किसी से कोई तरह की मतभेद भले हो सकता है लेकिन किसी के प्रति किसी भी तरह का विचार उनके मन में अहित का आ ही नहीं सकता। एक खराब विचार की बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं बोल रही हूँ कि गांधी जी की बहुत सारी ऐसी बातों पे वो उनके उनके सहमत नहीं थे, असहमति भी थी, अगर प्यार था तो असहमति भी थी, इस पे क्या कहेंगे आप? असहमत तो किसी भी विचारों में किसी की भी हो सकती है, स्वतंत्र है आज देश में हर व्यक्ति, जिस प्रकार से जयराम रमेश जी ने कुछ भी कह दिया तब इसके ऊपर कौन उनकी बात को जो है उनके मुंह पर कोई लगाम लगाएगा, तो ये कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात हमने सुनी भी नहीं है। ये आपके द्वारा या मीडिया के द्वारा ही इस तरह की चर्चा आ रही है जो कि हमें जरा भी इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है कि इस तरह का कोई अनबन वाली कोई बात जिस तरह की कही जा रही है, ऐसी कोई बात भाई जी जिसे भाई जी कहा करते थे हम लोगों ने, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार वो संत हृदय पुरुष थे और उनका किसी से किसी तरह का द्वेष हो ही नहीं सकता है, विचारों में मतभेद तो किसी का किसी से भी हो सकता है। जो पोद्दार जी थे वो गीता वाटिका में रहते थे और ये कहा जाता है कि पोद्दार जी हर महीने जब राम जन्मभूमि को लेकर एक शुरू हुआ था पूरे हिंदुस्तान में, तो हर महीने उस मूवमेंट को चलाए रखने के लिए थोड़ा सा अपने पैसे देते थे महीने में, कुछ भी थोड़ा सा, कभी वकील के पैसे दे दिए, कभी मूवमेंट को चलाने के लिए रिसोर्सेज के लिए थोड़ा पैसे दे दिए। और बोला जाता कि राम जन्मभूमि में गीता प्रेस और पोद्दार जी का भी एक बहुत ही मुख्य रोल है, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसमें एक मुख्य रोल था और इसके अतिरिक्त भी आज मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है वो पहले, आज जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो किसी समय खंडहर हुआ करता था, उस समय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और घनश्याम दास जी बिड़ला वहां गए थे और उस स्थिति को देखकर भाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए थे और उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक अगर जन्मभूमि पर मंदिर बन जाए तो बड़ा लोगों को आस्था को संबल मिले, और उस समय बिड़ला जी ने उनकी बातों को सुनकर उनकी बातों को देखकर एक भव्य मंदिर जो आज मथुरा जन्मभूमि पर है वो उन्होंने निर्माण कराया था, उसमें भी भाई जी की अहम भूमिका रही है और वहां पर उनका स्टैचू और घनश्याम दास जी बिड़ला का स्टैचू अगल बगल मंदिर में आज भी लगा हुआ है। तो राम जन्मभूमि के जो मूवमेंट है उसमें पोद्दार जी का और गीता प्रेस का जो योगदान है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ समय राम जन्मभूमि पे राम टेंपल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जो गीता प्रेस और पोद्दार जी का योगदान है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। गीता प्रेस देखिए, मुख्य रूप से गीता प्रेस का काम धार्मिक ग्रंथों का प्रचार प्रसार, जो उसकी अनुपलब्धता है
उसको बनाए रखना, उसको जन जन तक पहुंचाना और सस्ते से सस्ते मूल्य में पहुंचाना, यही उद्देश्य रहा है और इसी उद्देश्य पर गीता प्रेस लगी हुई है। पिछले 100 वर्षों का समय जो बीता है वो इसी कार्य को करते हुए बीता है, आगे भी इसी रूप में करने का ट्रस्ट बोर्ड का निर्णय है। और हम लोग और किसी तरह से और किसी कार्य में संलग्न हो सकें ऐसी मंशा अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन अभी तक राम जन्मभूमि के, जैसे मैंने आपको बताया कि पोदार जी है, हमने उधर पोदार जी के लोगों से भी बात की, उन्होंने बोला पोदार जी देते थे थोड़ा भी, कितना भी पैसा हो, थोड़ा सा पैसा हो, हमेशा उनके दिल में एक चीज थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें बताइए। जो आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, इसमें संतों का संकल्प बहुत बड़ा काम करता है। हम तो ये देखते हैं कि आज जो गीता प्रेस 100 वर्षों से चल रहा है, ये भी संतों का संकल्प है। जो आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर थी वो जन जन तक पहुंचे, इस सत संकल्प के साथ उस कार्य को शुरुआत हुई और इसी रूप में राम मंदिर की भी शुरुआत संतों के द्वारा हुई और आज जो भव्य प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है कि वो कार्य आगे बढ़ रहा है। तो इसमें हम तो व्यक्तिगत रूप से भी और गीता प्रेस के सिद्धांतों के हिसाब से भी इस बात को ही मानते हैं कि ये संतों का संकल्प भगवान की कृपा के ऊपर ही ये सारे कार्य आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। आजकल अगर हम देखें तो एक डिस्कशन है जो आजकल चल रहा होता है हिंदुइज्म और हिंदुत्व का, तो गीता प्रेस अपने आप को कहाँ पाती है इस हिंदुत्व और हिंदुइज्म के डिस्कशन पे? क्योंकि जब भी हिंदुत्व या हिंदुइज्म की बात होती तो गीता प्रेस का नाम आता है। गीता प्रेस सबसे पुरानी प्रकाशन है, हर घर में है, हर तरीके का हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के डिस्कशन में गीता प्रेस अपने आप को कहाँ पाती है? ये शब्दों का केवल जाल है। जिस तरह से योगा कई नाम एक ही चीज के रख दिए जाते हैं, इसी रूप में हम तो इसको इसी रूप में समझते हैं। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुज्म, ये कोई एक दूसरे से पृथक नहीं हो सकते, ये सब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं और एक ही हैं। नाम अपने अपने ढंग से लोगों ने अलग अलग दे रखा है, इसमें कोई भी तरह का मतभेद हो ये बात हमारे मान्यता में नहीं आती। अभी गीता प्रेस के बारे में अगर हम बोले क्यों, तो गीता प्रेस के ट्रस्टीज में बस हमेशा से जैन ही रहे हैं और जो मैनेजमेंट में भी अगर हम देखें तो मोस्टली अपर कास्ट लोग ही रहे हैं, दलित या पिछड़ों में से कोई मैनेजमेंट में नहीं रहा सर आज तक, हमने देखा भी है जो अभी तक। ये राजनीतिक प्रश्न है इसलिए इसके ऊपर हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मूल रूप में आप देखें कि संस्था 100 वर्षों से चल रही है और काम अच्छा कर रही है। संस्थाएं तो आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों के हिसाब से चलती हैं और संस्था कर क्या रही है नजर इस चीज पर होनी चाहिए। इन राजनीतिक विषयों पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हिस्टोरिकली सब राजनीतिक एजेंडे हैं। आज के 20-30 साल पहले इस तरह की कोई बात नहीं हुआ करते कि कौन दलित है, कौन क्या है, क्या नहीं है, ये सब 15-20-25 सालों का ही सारा जो है खेल है। तो सर मेरे को आपसे ये पूछना था कि गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस ने अपने टाइम पे पहले अंबेडकर को भी क्रिटिसाइज किया था हिंदू कोड बिल के लिए। ऐसा कुछ नहीं किया गया, आप विषय दूसरा जा रहा है, हम केवल गीता प्रेस पर ही बात करना चाहते हैं। सर मेरे दो सवाल है, एक सवाल है कि अगर गीता प्रेस अभी भी कास्ट सिस्टम को मानता है, क्योंकि गीता प्रेस की जो मैंने किताबें पढ़ी है उसमें वर्ण सिस्टम को अपहोल्ड करने की बात की गई है, अभी रिसेंट की भी जो किताब है, कि अभी भी वो वर्ण सिस्टम में बिलीव रखता है कि वर्ण सिस्टम होना चाहिए? जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, चाहे पुराण है, उपनिषद है, रामायण गीता वगैरह है, इन सब के छापने में और इन सबको आध्यात्मिक के रूप में जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है और वही कर रहा है। बाकी अन्य किसी कार्य में, अन्य किसी वाद विवाद के विषय में हम बिल्कुल भी बात करने को इच्छुक नहीं है। गीता प्रेस खुद को सनातन धर्म को घरों में पहुंचाने का काम करता है, अभी आगे का गीता प्रेस का क्या फ्यूचर प्लान है? मोदी जी आ रहे हैं और क्या सोच रहे, क्या और किताबें प्रकाशित होगी, क्या ई बुक्स आएंगी, इंटरनेट पे और प्रेजेंस होगी, क्या करने का सोचा है गीता प्रेस ने आगे? गीता प्रेस अपने वेबसाइट पर 500 पुस्तकें लोड करने की योजना बना चुका है, जिसमें से 200 पुस्तकें हमारी वेबसाइट पर फ्री डाउनलोड करके पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं, 300 पुस्तकें और लोड करने के लिए कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ही 500 पुस्तकों का प्रकाशन
500 पुस्तकें हमारी वेबसाइट पर पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। एक आखिरी सवाल, क्या गीता प्रेस को लगता है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या है? हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है ही, बीच में जो भी व्यवधान आए हैं ये लोगों की सोच के हिसाब से हैं। बाकी हिंदू जहां रहेंगे उसे हिंदू राष्ट्र ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।